वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज के वीडियो में मैं बेसिकली रिव्यू करने वाली हूँ एक ई कॉमर्स ब्रांड दैट रिसेंटली आई केम अक्रॉस, एंड उस ब्रांड का नाम है वेल कर्व। एज यू ऑल नो आई हैव पीसीओडी एंड आई ऑलवेज मेंटेन माई वेट, तो इसीलिए मैं ऑलवेज चूज करती हूँ हेल्दी फूड्स। एंड जैसे कि इस ब्रांड का नाम है वेल कर्व, सो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके जो सारे प्रोडक्ट्स है वो वेलनेस से रिलेटेड है। आई हैव अ कैटलॉग ऑफ 1500 हेल्दी प्रोडक्ट्स। ये ब्रांड मार्केट में ऑलमोस्ट 3 साल से है, एंड व्हाट आई लव अबाउट द ब्रांड के इस वेबसाइट में आपको सारे जो बेस्ट वेलनेस प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स है उनके प्रोडक्ट्स आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में। टॉप सेलिंग ब्रांड जैसे पिंटोला, माई फिटनेस, योगा बार, कपीवा, इनके प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। एंड जो भी अपकमिंग ब्रांड्स है या अपकमिंग प्रोडक्ट्स है वो भी आपको यहाँ पे बहुत ही इजीली एक एक वेबसाइट में आपको सारे के सारे एक साथ मिल जाएंगे। आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, बट द बेस्ट पार्ट इज लाइक आपको ऑलवेज मिनिमम 40% का डिस्काउंट मिलेगा थ्रू आउट द ईयर, एंड इस वेबसाइट पे कभी कभी OTW सेल चलता है तब आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। OTW सेल फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ होता है, सो आपको बहुत ज्यादा वेट करने की भी जरूरत नहीं कि कब आने वाला है सेल। इस वेबसाइट पे ऑर्डर करने का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा स्मूथ है, एंड विद इन 48 आवर्स ये मुझे डिलीवर हुए है प्रोडक्ट, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। सो बाकी बताने से पहले चलिए मैं आपको प्रोडक्ट पहले दिखा दूँ और पैकेजिंग वगैरह दिखा दूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे वो कुछ ऐसे बॉक्स पैकेजिंग में आया है, सो पैकेट काफी अच्छा है। नाउ लेट मी शो यू द प्रोडक्ट्स। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने खरीदा है वो है ये एलोवेरा जूस। एज यू ऑल नो फ्रॉम माई लास्ट वीडियो कि मैं हर सुबह एंड शाम को खाली पेट एलोवेरा जूस पानी में मिक्स करके पीती हूँ ताकि मेरा इंसुलिन लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे, और एलोवेरा जूस आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, हेल्थ के लिए बाकी तो अच्छा है ही बहुत ही ज्यादा। एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड कपीवा। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कपीवा ब्रांड का, मैंने एप्पल साइडर विनेगर जो है वो यूज़ किया था, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ये प्योर एलोवेरा जूस है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर, नो एडेड शुगर, नथिंग, प्योर ऑर्गेनिक है ये। एंड आई होप हेयर यू कैन सी कि आपको एलोवेरा जूस के जो ग्रैन्यूल्स है वो भी अच्छे से दिखेंगे यहाँ पे। इसकी MRP है 299 रुपीज, एंड वेबसाइट पे क्या प्राइस दिखा रहा है वो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगी। जो एलोवेरा जूस है ये कुछ ऐसे बॉक्स पैकेजिंग में आता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, मुझे मिडनाइट क्रेविंग बहुत ही ज्यादा होती है, एंड उस टाइम पे मैं प्रेफर करती हूँ कुछ थोड़ा सा हेल्दी खाना, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं पर थोड़ा सा हेल्दी खाना। सो इसलिए मैंने ऑर्डर किया था ये 2 कुकीज, आई लव कुकीज। सो ये वाला जो है ये ओट्स कुकीज है, 0 कोलेस्ट्रॉल, 0 ट्रांसफैट, सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, क्योंकि ओट्स में फाइबर होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। मुझे ओट्स एंड कोकोनट कुकीज बहुत ही ज्यादा पसंद है, एंड इसीलिए मैंने एक ओट्स और एक कोकोनट कुकीज मंगवाया था। ये ओट्स कुकीज का प्राइस है 55 रुपीज, एंड ये कोकोनट कुकीज का प्राइस है 95 रुपीज। ये दोनों ही 200 ग्राम का है। ये जो कोकोनट मल्टीग्रेन कुकीज है इसमें है ओट्स, मिलेट, रागी, होल व्हीट एंड सोवा। अगर आप भी मेरे तरह हो जिसे कुकीज़ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है बट आप हेल्दी ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, देन डेफिनेटली आप ये दोनों ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। कोकोनट कुकीज़ है ये शुगर फ्री है, सो अगर आपको डायबिटीज़ है देन ऑल्सो आप इसको चूज़ कर सकते हो। ना जो नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट है वो है ये वाला प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द मूसली विद डार्क चॉकलेट एंड क्रैनबेरी। तो आई प्रेफर टू हैव दिस वन इन माई ब्रेकफास्ट मोस्टली विद कर्ड, क्योंकि कर्ड हेल्दी होता है और मुझे ग्लूटेन से थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं मिल्क को अवॉइड करती हूँ। एंड ये जो बॉक्स है ना, जब आप इसको ओपन करोगे, लेट मी शो यू, आपको ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स मिलेंगे, पूरा भरती आपको मिलेगा पैकेट्स। सो एक तो ट्रैवल फ्रेंडली, अगर आपको कहीं पे जाना है तो आप एक पैकेट जस्ट कैरी कर सकते हो अपने साथ, या फिर अगर जैसे कि बॉक्स होता है तो बॉक्स में क्या होता है अगर हवा लग जाए तो पूरा का प्रोडक्ट ही खराब हो जाता है पूरा का पूरा। सो उस हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप
हर दिन एक पैकेट को ओपन करो और उसको कंज्यूम करो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे पाउच इसमें दिए हुए हैं। ये जो एक पैकेट है ये 40 ग्राम का है, एंड अगर आप सिंगल इसको खरीदोगे तो 30 रुपीज़ आपको पड़ता है, बट मैंने क्योंकि ये पूरे बॉक्स में खरीदा है, इसमें टोटल 10 पैकेट्स है, एंड ये बॉक्स आपको टोटल पड़ेगा 300 रुपीज़ का। प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है, लो सोडियम है, हाई ओमेगा 3 है, 83% नट प्लस सीड एंड ड्राइड फ्रूट्स है, होल ग्रेन्स है इसमें, किनुआ, ओट्स, ब्राउन राइस, फ्लेक्स सीड, चिया सीड। सो दिस इज अ ग्रेट हेल्दी ऑप्शन फॉर योर ब्रेकफास्ट। एंड इसके साथ मैं अपने ब्रेकफास्ट में एक और चीज ऐड करती हूँ, जबकि इसमें ऑलरेडी सीड्स है, बट देन ऑल्सो मुझे जो सीड सबसे ज्यादा पसंद है वो है पम्पकिन सीड, और इसीलिए मैंने ये पम्पकिन सीड का भी पैकेट खरीदा है। मैं कभी कभी जब मुझे स्नैकिंग का मन करता है तो मैं पम्पकिन सीड को थोड़ा सा रोस्ट करके उसको नॉर्मली कंज्यूम कर लेती हूँ, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा एक स्नैक्स ऑप्शन लगता है, तो दैट इज द रीजन मैंने ये वाला खरीदा है। पम्पकिन सीड्स आर वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर एंड योर हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि इसमें गुड फैट्स होते हैं। एंड ये जो पैकेट है ये टोटल 200 ग्राम का पैकेट है, इसका MRP है 249 रुपीज़, बट मुझे वेबसाइट पे इस प्राइस का मिला है, विच इज़ अ ग्रेट डील। ना खाली पेट आमला जूस दिन ब्रेकफास्ट में मोस्टली एंड कर्ड एंड विथ सम पम्पकिन सीड, और स्नैक्स में कुकीज, ना ये तो हो गया, बट नॉर्मल जो डेली लंच और डिनर होता है सो उसमें जो सब्जीज बनती है या फिर जो भी नॉन वेज या वेज आइटम बनता है उसमें जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑयल, एंड ऑयल आपका डेफिनेटली बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फैट होता है आपके बॉडी के लिए। एंड इसीलिए जब आप कोई हेल्दी फैट चूज करो, स्पेशली ऑयल चूज करो, देन यू हैव टू चूज द बेस्ट। एंड आई बॉट दिस ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम द ब्रांड ऑर्गेनिक तत्वा। ये अनरिफाइंड है, ऑर्गेनिक है, एंड इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है देन डेफिनेटली आप इसको चूज कर सकते हो। ये 1 लीटर का है एंड इसका MRP है 400 रुपीज़, बट वेबसाइट पे आपको इस प्राइस में ये मिल जाएगा। मोस्टली इंडिया में सरसों के तेल से ही खाना बनता है, सो मेरे घर पे तो यही होता है। आई डोंट नो आपके घर पे क्या ऑयल यूज होता है, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू यूज ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल, बिकॉज उसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा ये आपके हेयर के लिए और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको ग्रे हेयर या प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है देन ऑल्सो आप मस्टर्ड ऑयल को यूज कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा आपके ग्रे हेयर के ऊपर। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है फ्रॉम द वेबसाइट, तो आपको इस वेबसाइट पे ना कैटेगरीज मिल जाएंगी आपके हेल्थ इशू के हिसाब से, और हर एक प्रोडक्ट्स का कम्युनिटी एक टैब है, तो वहाँ पे आपको रिव्यूज भी मिल जाएंगे, वीडियो रिव्यूज, तो उस हिसाब से आप रिव्यूज देख के भी चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा सही होगा, और उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक कूपन कोड दे रही हूँ, आप ये वाला कूपन कोड यूज करके एडिशनल डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हो इस वेबसाइट से। सो या दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट एंड ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।